जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी, हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी, सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका यह उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, दलितों का पिछड़ा का पैसा है जो इन लोगों ने लूटा है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग अपनी इस काली कमाई में से एक भी रुपया आपके बच्चों को देते क्या? और ये लूट करते हैं ना तो क्या कहते हैं, अरे भाई अरबों खरबों लूट लेंगे, और वकील को क्या है, अरे जो चाहिए दे देंगे, अदालत से निकल जाएंगे और फिर तो मौज ही मौज है। यानी वकील के लिए भी आपका चोरी का पैसा, ये खेल है इनका। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहन, ये जो नोटों के पहाड़ में पकड़ रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सरकार की तिजोरी में ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये खोजूंगा ये पैसे किसके थे, उसको उनको क्यों देना पड़ा, कैसे दिया था, और अगर ये पक्का हो जाएगा हाँ इन्हीं के पैसे हैं, ये सारे पहाड़ के रुपये हैं ना, मैं उन सब गरीबों को लौटा दूंगा। ये पैसा आपका है। मोदी इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा है। मैं रास्ते खोज रहा हूं कि जो गरीब का पैसा है, जिसके हक का पैसा गया है, वो पैसा उसको वापस कैसे मिले। साथियों, पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते हम उन पर हमला करते हैं। यानी कांग्रेस और जामुमो जैसे दलों को देश के उद्योगों से मतलब नहीं है, उन्हें अपने भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है। भाइयों बहनों, मैं आज एक गंभीर विषय को स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज उद्योग की धरती पर खड़ा हूं और मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच खड़ा हूं। मैं जरा कांग्रेस को, उनके साथियों को, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो,
कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हिमाचल में हो, मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं और जरा समझ ले मेरी चुनौती को। ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, वो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछे। ये उनके सहजादे आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के